सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ उसी के चैनल पर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 100 मॉक टेस्ट कम्प्लीट कर चुका हूँ, साथ ही प्रीवियस ईयर लगा चुका हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताते जाऊँगा और आप अपनी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो एम है वो RRB PO है, तो उसको फोकस करके हम सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, उसी के लेवल के सारे क्वेश्चन आपको होंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, जो लेवल है वही आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो है आपका फर्स्ट वीडियो है, किसका? डायरेक्शन के ऊपर है, ठीक है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं और टॉपिक पर बनाए गए हैं जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। तो क्या कह रहा है, जी ईस्ट ऑल किलोमीटर ईस्ट ऑफ एफ, एफ के ईस्ट में जी है, तो इसके लिए मैं क्या बना लेता हूँ यहाँ पर, एफ के ईस्ट में, तो ये रहा एफ, एफ के ईस्ट, ये रहा एफ के ईस्ट में 12 किलोमीटर पर कौन है, एफ के ईस्ट में 12 किलोमीटर पर ई है, ठीक है। एफ इज नाइन किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई, सॉरी जी, एफ के ईस्ट में जो कौन है, जी है, एफ के ईस्ट में हमने जी बना दिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ इधर, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, चलिए हो गया, ठीक है, जी हो गया। उसके बाद एफ इज नाइन किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई, ई के नॉर्थ में एफ है 9 किलोमीटर, तो इसको बना लो फटाफट, ये हो गया 9 किलोमीटर, ये हो गया आपका ई का नॉर्थ, ई के नॉर्थ में 9 किलोमीटर पर एफ है। ई इज 15 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में, डी के वेस्ट में 15 किलोमीटर पर, तो वेस्ट हो गया इधर, तो ये हमारा आ गया, ये आ गया 15, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इधर जोड़ूँ तो ये तो हमारे पास 12 ही हो गया और ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है, तो वेस्ट हो गया डी के वेस्ट में, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, डी जो है सी के साउथ में 12 किलोमीटर है, सी के साउथ में, तो 9 तो आपका यही हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका कितना कह रहा है, 3 और, तो 3 आपका आ गया और, तो 3 आ गया आपका ये, ठीक है, और सी के साउथ में ये हो गया डी, ठीक है। अगला क्या है, सी इज 15 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ बी, ए बी के ईस्ट में, बी के ईस्ट में सी है, बी के ईस्ट में, तो बी के ईस्ट में क्या है, सी है, वो भी 15 किलोमीटर, तो ये रहा हमारे पास बी, तो बी ये रहा हमारे पास, ठीक है, तो बी, बी के ईस्ट में 15 किलोमीटर पर कौन है, सी है। पॉइंट ए इज 13 किलोमीटर टू दी साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, बी के साउथ वेस्ट में, आप देखो बी के साउथ वेस्ट अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये आपका नॉर्थ बनेगा, ये वेस्ट, ये ईस्ट बनेगा, ये साउथ और ये वेस्ट बनेगा, तो साउथ वेस्ट में बी है, ठीक है, तो साउथ वेस्ट में बी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जरा ड्रॉ करते हैं, तो बी, बी के साउथ वेस्ट में ए है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, बी के साउथ वेस्ट में है ए, वो भी कितना, 13 किलोमीटर, एंड टू दी वेस्ट ऑफ ई, तो ई के वेस्ट में, तो ई का वेस्ट हो गया इधर, ये हो गया इधर, ठीक है, ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं, इफ अ पर्सन गोज 3 किलोमीटर टू द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट जी, अगर जी से, जी से, ये जी से अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर ईस्ट में जाए, तो 3 किलोमीटर आपका ये हो गया ईस्ट, ईस्ट में अगर 3 किलोमीटर वो जाता है, देन हाउ फार इज ही फ्रॉम पॉइंट सी, तो वो सी से कितनी दूरी पड़े, तो 3 किलोमीटर की दूरी पड़े, ये आ गया यहाँ पे पहुँच गया, वो दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे पहुँच गया 3 किलोमीटर, जी से ईस्ट में 3 किलोमीटर, तो वो सी से कितनी दूर है, 3 किलोमीटर की दूरी पड़े, ठीक है, बात समझ आए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, पॉइंट सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में, ई ये रहा ई के रिस्पेक्ट में, सी किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ से कर दो, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, बात समझ आए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई, तो ए और ई के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए कह रहा है, तो ए और ई के बीच की डिस्टेंस ये वाली, ये 13 है और ये क्या है, ये आपके 9 और 3 12 है, ये पूरी की पूरी 12 है, ये 13 है, तो हमें क्या पता है, 5 12 13 का पता है ना, 5 12 13, ये आपका क्या होता है, एक ये आपका बनता है आपका कोण, ये आपका ऐसे कहें रेक्टेंगल एंगल, सॉरी मैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का ये आपके ट्रिपलेट्स होते हैं, 5 12 13, तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है, तो ए और ई के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो है डायरेक्शन के दूसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। डायरेक्शन से अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन डिस्टेंस से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौरव स्टार्ट्स वॉकिंग वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ईस्ट डायरेक्शन, तो बी जो है, जो गौरव जो है बी से ईस्ट की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं हम, ये हो गया बी, बी से ईस्ट की ओर चलना शुरू करता है आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर, तो ये 3 मीटर चला, एंड 3 मीटर ही टर्न्स
राइट, उसके बाद वो टर्न्स राइट फ्रॉम पॉइंट सी, तो फ्रॉम पॉइंट सी, सी से ये सी तक पहुंचा, उसके बाद राइट, राइट के इधर ही टर्न्स राइट फ्रॉम पॉइंट सी, सी से वो राइट मुड़ गया एंड वॉक 6 मीटर, उसके बाद वो 6 मीटर चला, ये हो गया आपका 6 मीटर, 6 मीटर चला एंड देन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए, और उसके बाद ए से लेफ्ट की ओर, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट गया एंड वॉक्स 5 मीटर, तो यहाँ से वो इधर मुड़ गया, कितना चला 5, ठीक है 5 मीटर, ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट डी, अब वो डी से लेफ्ट की ओर, ये राइट हो गया लेफ्ट, ठीक है डी की ओर एंड वॉक्स 6 मीटर, उसके बाद वो 6 मीटर फिर से चला, दिख रहे हैं आप तो ठीक हो, तो 6 मीटर चला एंड टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट मुड़ गया फ्रॉम पॉइंट एफ से, एफ से उसके बाद वो राइट मुड़ा एंड वॉक्स 3 मीटर टिल पॉइंट ई, राइट मुड़ा और 3 मीटर तक चला, ये 3 मीटर तक चला और ये आपका हो गया ई, ठीक है बात समझ आई आपको। अगला क्या है, ही देन टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट मुड़ा, उसके राइट मुड़ा एंड वॉक्स 10 मीटर टिल, राइट मुड़ा और 10 मीटर टिल पॉइंट जी, उसके बाद वो राइट मुड़ने के बाद जी तक गया 10 मीटर, तो 10 6 तो यही हो गया और 4 ये चला, तो ये हो गया आपका जी, ठीक है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चनों के आंसर देते हैं हम, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी के रिस्पेक्ट में सी किस डायरेक्शन में है, जी ये रहा, जी के रिस्पेक्ट में सी ये रहा, तो ये आपका क्या हो गया, इसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो हो गया हमारे साउथ और ये हो गया हमारे पास वेस्ट, तो ये किस डायरेक्शन में, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ और वेस्ट, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है आपका सी, ठीक है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है आपका सी, पास में आगे आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग फाइव आर डिफरेंट है, सर्टेन डिफरेंट है, तो कौन कौन से डिफरेंट है देख लेते हैं फटाफट, देखिए क्या क्या कह रहा है, बी सी, बी और सी एक लाइन में है, एफ ई, एफ और ई एक लाइन में है, ए डी, ए डी एक लाइन में है, डी जी, डी और जी एक लाइन में नहीं है, मतलब ये डिफरेंट हो गया, सिंपल अलग हो गया, ठीक है चलिए अच्छे से समझ आ गया, आशा करता हूँ कि। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी और जी, डी और जी के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ के बीच क्या है 3 और यहाँ से यहाँ कितना है, तो 3 4 ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5 मीटर, क्योंकि ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का आपका ट्रिपलेट बनता है, ठीक है बात समझ आई, ठीक है चलिए उसके बाद नहीं है, ठीक है अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे ये रहा, पॉइंट वी इज 3 मीटर इन द वेस्ट ऑफ पॉइंट एक्स, एक्स के वेस्ट में कौन है, वी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट, ये रहा एक्स, एक्स के वेस्ट में 3 मीटर पे कौन हो गया, वी हो गया, ठीक है एक्स के वेस्ट में 3 मीटर पे कौन हो गया, वी। अगले क्या है, पॉइंट वाई इज 6 मीटर टू दी वेस्ट ऑफ जेड, अब देखिए जेड नहीं है तो हम पहले एक्स वाला ढूंढेंगे, एक्स वाला यहाँ पर है, तो ये क्या कह रहा है हमें, ठीक है ये क्या कह रहा है, पॉइंट यू इज 4 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी, वी के नॉर्थ में यू है, वी के नॉर्थ में यू है 4 मीटर पर, तो ये हो गया 4 मीटर, नॉर्थ में कौन हो गया, यू बना दिया हमने। अगला क्या कह रहा है, ये वी से रिलेटेड हो गया, पॉइंट जेड इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ एक्स, एक्स के साउथ में 5 मीटर पर जेड है, एक्स के साउथ में 5 मीटर पर जेड हो गया, ठीक है उसके बाद वो क्या कह रहा है, वाई हो गया, वाई नहीं मिला हमें तो वाई वाला नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट वाई इज 6 मीटर इन द वेस्ट ऑफ जेड, जेड के वेस्ट में वाई है, कितना 6 मीटर पर, तो जेड के वेस्ट में, तो 3 मीटर तो यही हो गया और 3 मीटर ये आगे हो गया, ठीक है तो ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, ठीक है। अगला वो क्या कह रहा है, वाई से रिलेटेड आपको क्या है, पॉइंट वाई इज 3 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, टी के नॉर्थ में है वाई, टी के नॉर्थ में क्या है, वाई है, तो कितना मीटर, 3 मीटर पर, तो टी के नॉर्थ आ गया इधर। अब देखिए इसने क्या कहा है, टी के नॉर्थ में कौन है, वी है, टी के नॉर्थ में कौन है, वाई है, टी के नॉर्थ में वाई हो गया 3 मीटर पर। अगला क्या कह रहा है, अब हम टी वाला ले सकते हैं, पॉइंट डब्ल्यू इज 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ टी, टी के ईस्ट में कौन है, डब्ल्यू है 9 मीटर पर, तो 6 तो यही हो गया आपका, 6 हो गया, ये 3 और आगे चले जाइए, ये हो गया यहाँ पे, हो गया डब्ल्यू, ईस्ट में क्या है ना उसने, तो इसमें हो गया, तो अब हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए, ठीक है अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट वी विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में वी किस डायरेक्शन में, तो जेड ये रहा, जेड के रिस्पेक्ट में वी। अब देखिए यहाँ से क्या बनता है आपका, ये आपका नॉर्थ बन गया, ये आपका वेस्ट बन गया, तो ये किस में, नॉर्थ वेस्ट में है,
नॉर्थ वेस्ट आपका राइट राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम डब्ल्यू टू यू, अगर डब्ल्यू से यू वो ट्रेवल करता है, तो डब्ल्यू कहाँ गया आपका, केरा। डब्ल्यू से यू की ओर मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, डब्ल्यू से यू की ओर ट्रेवल करता है, टी वाई जेड एक्स एंड वी, देन वट डिस्टेंस विल ही सी कवर। ठीक है, अगर ये W से U की ओर कवर करता है तो कितनी डिस्टेंस ने कवर करते हैं, ध्यान से देखो। तो तीन तीन ये छः तीन नौ हो गया। ठीक है, तो तीन तीन छः, छः छः बारह, तीन पंद्रह और तीन अट्ठारह और पाँच तेईस, तेईस और तीन कितना हो गया छब्बीस और चार तीस। तो 30 मीटर की डिस्टेंस ने कवर करी है W से जाके U तक जाने में, अगर वो टी एक्स वाई के थ्रू जाता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लॉन्ग। ठीक है, बात समझे, तो 30 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में y किस डायरेक्शन में है, तो x है हमारे पास ये, y किस में देखो नीचे है, तो ये आपका क्या साउथ हो गया, ये हो गया वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया राइट आंसर। ठीक है, बात समझे। तो ये था हमारा यहाँ से जो है डायरेक्शन के ऊपर। तो अब मैं आपको जो है इसके अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्या कहें, देखिए, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन इस डायरेक्शन, एक पर्सन स्टिक और चलना शुरू करता है फ्रॉम पॉइंट पी से। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, पी से वो उसने स्टिक और चलना शुरू किया, और आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर ही टर्न्स राइट, तो 4 मीटर चलने के बाद स्टिक और चला, 4 मीटर चला और उसके बाद वो राइट मुड़ गया फ्रॉम पॉइंट क्यू से। ठीक है, क्यू तक चला, फिर राइट मुड़ गया, वॉक्स 2 मीटर टिल पॉइंट आर तक चला 2 मीटर, ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट हो गया इधर, एंड वॉक्स 3 मीटर, उसके बाद वो 3 मीटर तक चला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंड टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एस, उसके बाद एस से उसने लेफ्ट लिया एंड वॉक्स 6 मीटर चला, दो तो यही हो गया और 4 हो गया ये। ठीक है, तो लेफ्ट मुड़ा वो यहाँ तक चला 6 मीटर टिल पॉइंट टी तक, क्या बात समझ आ रही है। ठीक है, टिल पॉइंट टी तक, ठीक है, टिल पॉइंट टी तक, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, ये राइट हो गया लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट टी से, एंड वॉक 7 मीटर टिल पॉइंट यू, तो 3 हो गया, तो डायरेक्ट वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 7 मीटर यू तक आया। ठीक है, यहाँ तक आया यू एंड स्टॉप, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब इस पर भी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए। थोड़ी तरह शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन यू एंड पी, यू और पी के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस बोलो कितनी होगी, 4, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, तो 4 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ी तरह शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड द पॉइंट टी, क्यू और टी के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बोलो क्या है, Q और T के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस ही होगी, ये हो गया 3, ये 4, ये हो गया 5, क्योंकि आपका ट्रिपलेट बना रहे हैं। ठीक है, 3, 4, 5। ठीक है, बात समझे, चलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, और इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए तो बहुत बेहतर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वारी है तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने वीडियो देखा है अच्छा लगा है तो लाइक करके आप जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।